गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का बच्चों जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। बच्चों ये पता है कि ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 8 है, चैप्टर नंबर 8 है। हमें इसमें पढ़ना है बच्चों हाइड्रोलिक कंपोनेंट के, हाइड्रोलिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। यानी चैप्टर का नाम है हमारे कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हमें हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट उपयोग में आते हैं इनका पढ़ना है, आज इन चैप्टर के बारे में पढ़ना है। बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको हम 1 जुलाई से पहले जो है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस में अपना शुरुआत करेंगे, तो उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हम क्या करते हैं बच्चों कि किसी भी काम को करने के लिए अगर तरल जो होता है, तरल के जो है दाब ऊर्जा को किसी शक्ति ऊर्जा में बदलने के लिए जो है ना, बदलने के लिए मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर हम क्या करें कि हमारे पास प्रेशर एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को हम क्या कर दें बच्चों, उसको वर्क में जो उत्पन्न कर दे, यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जो प्रेशर एनर्जी को, फ्लूड की प्रेशर एनर्जी को हमारे डिजायर आउटपुट वर्क में या ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। बच्चों हम बात करें कि हमारे जो हाइड्रोलिक, जो हमारा हाइड्रोलिक सर्किट होता है या हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ लगा रहता है बच्चों। एक हमारा होता है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, एक हमारे पास होता है हाइड्रोलिक पंप, नेक्स्ट होता है हमारे पास वॉल्व, उसके बाद क्या होती है बच्चों, एक हमारे पास एक्सटर्नल मोटर होती है जो फ्लूड को क्या करती है हमारे ऊपर, मतलब उसके प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। एक हमारे पास होता है जलाशय यानी रिजर्वायर, उसके बाद पाइपिंग का सिस्टम होता है, फिल्टर का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारे पास फ्लूड है उसमें उपस्थित क्या हो, अशुद्धियाँ बाहर हो जाएं। और अगला होता है प्रेशर रेगुलेटर यानी दाब नियंत्रक। दाब नियंत्रक का काम क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो भी फ्लूड सिस्टम से या जो भी हमारे पास जलाशय से फ्लूड आ रहा था उसको क्या करे, उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सके। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑयल रिजर्वायर की। तो ऑयल रिजर्वाली, ऑयल मतलब तेल संग्रहक क्या होता है, तेल संग्रहक वह बर्तन या पात्र होता है जो किसी भी द्रवीय सिस्टम में क्या हो, तेल की यानी द्रव की मात्रा को क्या करता है बच्चों, आपूर्ति करता है, मतलब देता है उसे, ठीक है। और जिसमें क्या होता है बच्चों, रिजर्वायर का ही मतलब है, जैसे हम बात करें किसी समुद्र की, तो समुद्र में क्या होता है बच्चों, जल होता है अथवा मात्रा में होता है, और उसमें से ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ मात्रा में वाष्पीकरण या रिसाव ना होता हो, होता है लेकिन क्या होता है बच्चों, वो ना के बराबर होता है। इसी प्रकार किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में वह पात्र जिसमें तेल की क्या हो, बहुत सारी मात्रा हो और जिसमें तेल के रिसाव और उसके वाष्पीकरण की मात्रा को क्या किया जाए, निग्लेक्ट किया जाए, उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑयल रिजर्वायर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑयल रिजर्वायर का फंक्शन क्या होता है, ऑयल रिजर्वायर का फंक्शन। तो किसी तेल संग्राहक का सर मुख्य काम कार्य क्या होता है कि पंप में जो है वो सुविधा अनुसार क्या कर सके, सुविधाजनक स्थान पर हाइड्रोलिक तरल सिस्टम को होल्ड करके रख सके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं बच्चों हाइड्रोलिक कपलिंग की। हाइड्रोलिक कपलिंग का क्या मतलब होता है, कपलिंग का मतलब ही होता है बच्चों दो शाफ्ट को आपस में जोड़ना। क्या होता है कपलिंग का मतलब, दो शाफ्ट को आपस में जोड़ना। अगर ये जो दो शाफ्ट हैं जिनको हम आपस में जोड़े हैं उसके लिए अगर हम किसी हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोलिक कपलिंग कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रोलिक कपलिंग के क्या क्या पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों, देखो कपलिंग में एक होगी हमारे पास शाफ्ट, एक दो शाफ्ट होंगी, एक होगी हमारे पास ड्राइवर शाफ्ट, एक होगी बच्चों हमारे पास ड्रिवन शाफ्ट, है ना। ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को आपस में जोड़ने वाली युक्ति क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है। और अगर ये कपलिंग हमारी क्या है, अगर हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड है यानी तरल से ऑपरेटेड है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रोलिक कपलिंग कहेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों कि ड्राइविंग सेक्शन पर एक इम्पेलर होता है, क्या होता है, एक इम्पेलर होता है जिसे आंतरानोद कहते हैं। अब बात करें दूसरा क्या होता है बच्चों, एक रोटर होती है यानी रनर या रोटर होती है, और तीसरा क्या होता है बच्चों, केसिंग होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेगा कि हाइड्रोलिक कपलिंग
में किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें तीन हिस्से होते हैं हाइड्रोलिक कपलिंग में। एक होता है हमारा इम्पेलर होता है, एक रनर होता है, और दूसरा क्या होती है, एक केसिंग होती है। ठीक है, तीन चीज़ हमारे हिस्से होते हैं। किसी भी हाइड्रोलिक कपलिंग की जो दक्षता होती है वो क्या होती है बच्चों, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। या हम बात करें कि जो शाफ्ट हमारी चला रही, एक होती है चलने वाली शाफ्ट, एक होती है चलाने वाली शाफ्ट। चलने वाली शाफ्ट द्वारा उत्पन्न शक्ति अपॉन चलाने वाली शाफ्ट द्वारा उत्पन्न शक्ति के अनुपात को हम इफिशेंसी कहते हैं। इसका जो इफिशेंसी का फार्मूला होता है वो 2πNT/60 होता है। यानी हमारी जो शाफ्ट द्वारा शक्ति प्रोड्यूस हो रही है वो n यानी इस शाफ्ट की स्पीड और शाफ्ट पर आरोपित आघूर्ण यानी टॉर्क के बराबर, के गुणनफल के बराबर होती है। अब हम बात करें कि शाफ्ट, दो शाफ्ट हैं तो दो शाफ्ट पे अलग अलग शक्तियाँ आएंगी, है ना। अगर जैसे हम बात करें एक शाफ्ट ये ए है, दूसरी शाफ्ट ये बी है, है ना, तो एक शाफ्ट चला रही है दूसरी शाफ्ट चल रही है, तो एक शाफ्ट की पावर इसको अगर हम बात करें एन ए इंटू टी ए हो जाएगी, और इधर की बात करें तो एन बी इंटू टी बी हो जाएगी। हमने क्या बताया आपको, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे अगर, तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें ये मिलता है कि देखिए हमारे पास आता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है ये और ये क्या है, इनपुट है। तो आउटपुट शाफ्ट अपॉन इनपुट शाफ्ट, तो हमारा टॉर्क क्या होगा, जिस टॉर्क से ए टॉर्क से शाफ्ट घूम रही है, कपलिंग का काम ही होगा दूसरी शाफ्ट यानी शाफ्ट बी को उसी टॉर्क से घुमाना। यानी टी ए इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा। जब टी ए टी बी के बराबर हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इफिशेंसी होगी वो किस पे निर्भर करेगी, 1/ क्या होगी, आउटपुट पे जो शाफ्ट के रोटेशन है अपॉन इनपुट पे शाफ्ट के रोटेशन के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम अगली बात अगर करें बच्चों, है ना, कि स्लिप क्या होती है। अगर जैसे मान के चलिए कि दो शाफ्ट आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम में, जब ये एक रोटेट करेगी तो दूसरी भी उसी के अनुसार रोटेट करेगी, लेकिन दोनों शाफ्टों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्लिपिंग हो जाएगी। उस स्लिपिंग को कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो स्लिपिंग का फार्मूला याद रखिएगा, एस बराबर 1/ इफिशियंसी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास स्लिपिंग की मान आ जाएगी। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि स्लिपिंग कैसे हम निकालें या हमारे पास जो स्लिप की होती है कंडीशन कैसे निकालें। किसी भी शाफ्ट की इफिशियंसी जो होती है बच्चों 100% होती है। किसी शाफ्ट की इफिशियंसी होती है 100%, तो ये 100% कैसे होगी, एक तो इफिशियंसी होगी और प्लस जो स्लिपिंग के कारण होगा, स्लिप जो जनरेट होगा, है ना। तो 100% को हम 1 लिख देते हैं और स्लिप तो स्लिप है, उसके बाद इफिशियंसी को इफिशियंसी से डिनोट कर दिए, तो एस बराबर हम क्या कहेंगे, 1 - इफिशियंसी। तो आप, आई होप आपको ये याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोलिक कपलिंग के केस में स्लिप और इफिशियंसी में संबंध क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि फ्लूड कपलिंग के प्रकार की। तो एक होता है बच्चों फिक्स केसिंग कपलिंग और दूसरा होता है रोटेटल। मतलब एक बार के हमारे केस में क्या है कि केसिंग रोटेट कर रही है और एक बार में केसिंग क्या है, फिक्स हो रही है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास कपलिंग की, तो कपलिंग हमारे दो टाइप से होती है। एक होती है फिक्स केसिंग कपलिंग और दूसरा होती है रोटेशन केसिंग कपलिंग, है ना। इतनी बात समझ में आई। हमसे बोल रहा है कि क्या कहते हैं, फ्लूड कपलिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, फ्लूड कपलिंग का उपयोग जो होता है, हाइड्रोलिक कपलिंग का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, रेल ट्रैक में किया जाएगा, हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाएगा, कोई व्हील अगर मूव कर रहा है उसके केस में किया जाएगा। और अगर हमारे पास पावर को हमें क्या करना है, एलिवेटर के थ्रू पावर क्या करना है, एलिवेशन पे अगर हमें पावर को ट्रांसमिट करनी है, तो हम वहाँ पे हाइड्रोलिक कपलिंग का उपयोग करते हैं। कपलिंग का हमारे पास अगर एडवांटेज देखें तो देखो, पहला क्या है कि इसमें मैक्सिमम लोड ट्रांसफ़र हो सकता है, दूसरा शोर और कम होते हैं, तीसरा मोटर और इंजन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये होता है बच्चों, जो इसकी डिसएडवांटेज का कारण है स्लिप। जो हमारे पास स्लिपिंग की कंडीशन हो जाती है, सर्पी की घटना घट जाती है, यही इस हाइड्रोलिक कपलिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम बात करें बच्चों कि पंप और मोटर की। देखो पंप और मोटर, हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक मोटर क्या करती है, ये ऊर्जा को क्या करती है,
ऊर्जा का रूपांतरण सोर्स है। मतलब आप पंप के बारे में हमने आपको बताया था कि आप अपने घर पे भी क्या करते हैं बच्चों, पंप लगाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई भी वाटर लाइन की पानी की सप्लाई अगर हो रही है तो हम क्या करते हैं बच्चों, पंप लगाते हैं, जिससे हमारा जो फ्लूड है वो निम्न प्रेशर से हाई प्रेशर में परिवर्तित हो जाए। मतलब ऊर्जा को एक प्रकार से हमने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, कहाँ से, कम दाब से उच्च दाब की तरफ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंप होती है वो कैसी डिवाइस है बच्चों, ऊर्जा रूपांतरण डिवाइस है। हम बात करें कि पंप में क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 101% चांस है पूछने का कि पंप और मोटर का काम पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, पंप क्या करते हैं, मैकेनिकल को किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों, फ्लूड एनर्जी में, द्रव्यीय ऊर्जा में। मैकेनिकल ऊर्जा को द्रव्यीय ऊर्जा में बदलता है, वो पंप है। और मोटर क्या करता है बच्चों, द्रव्यीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब हम बात करें कि हमारे पास जो भी सिस्टम है उसमें पहले पंप लगेगा, है ना, अगर बात करें कि हमारे पास कोई सिस्टम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मोटर लगाएंगे। मोटर के बाद क्या होगा बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, पंप लगाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या ऑर्डर किस प्रकार होता है पंप और मोटर का, तो सबसे पहले मोटर लगाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पंप लगाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया हो गया कि हाइड्रोलिक देखो इनपुट में पंप है ना, फिर जो इसका हाइड्रोलिक इनपुट में फिर देखो हमने डिस्चार्ज को आउटपुट में लगा दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों पंप की, तो रोटरी पंप दो प्रकार से होते हैं। ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि कॉन्स्टेंट डिलीवरी मतलब होता है, अगर जो हमारा वाटर डिस्चार्ज में निकल रहा है अगर उसकी मात्रा स्थिर है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट डिलीवरी पंप, और अगर यही मात्रा बदल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिस्चार्ज पंप। देखो बच्चों, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में ये जो चार पंप दिया है इसमें से नाम जरूर आपसे पूछेगा कि कौन सा आपका कॉन्स्टेंट डिलीवरी पंप है और कौन सा वेरिएबल डिस्चार्ज पंप है। तो बच्चों देखिए, हमारे पास जो गियर पंप हैं, स्क्रू पंप हैं, वेन पंप हैं और रेडियल पिस्टन पंप हैं, ये कैसे पंप होते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंट डिलीवरी पंप होते हैं। जबकि इसके अलावा हमारे पास रेडियल पंप और रोटरी पिस्टन पंप, ये कैसा होता है बच्चों, हमारा ये वेरिएबल डिस्चार्ज होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं बच्चों फिल्टर की। फिल्टर होता क्या है, आपने सुना होगा कि गाड़ी हम लोग ऑटोमोबाइल यूज करते हैं तो ऑटोमोबाइल में एयर फिल्टर लगाया जाता है ताकि जो एयर है हमारी जो इंजन में क्या है कि इंजन के सिलेंडर में प्रवेश करेगी इनलेट वॉल्व के थ्रू, तो वो क्या होनी चाहिए, प्योर माध्यम में होनी चाहिए। इसी तरह किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जब हम कोई तरल या कोई तेल हम उपयोग करते हैं तो वो जो मोटर में या पंप में गुजरेगा उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो उसको शुद्ध करने के लिए किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में तरल या द्रव्य को शुद्ध करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, फिल्टर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें फिल्टर के प्रकार की, तो फिल्टर बच्चों तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेशर फिल्टर जिसको दाब फिल्टर कहते हैं, दूसरा होता है वैक्यूम फिल्टर जिसे निर्वात फिल्टर कहा जाता है, और नेक्स्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्री फिल्टर होता है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। दाब फिल्टर अपकेंद्री फिल्टर, देखो सबसे पहली बात करें अगर हमारे पास एक चीज़ फिल्टर में, आप ये बात याद रखिएगा बच्चों कि आपसे पूछेगा कि कौन सा फिल्टर किस में आता है, अगर मेटा फिल्टर का नाम ले ले, है ना, मेटा फिल्टर या फ्रेम फिल्टर मेटा फिल्टर या प्लेट फिल्टर, तो ये कैसे फिल्टर हैं बच्चों, दाब फिल्टर हैं। कैसे कैसे, एक तो हम बात करें कि हमारे पास अगर जैसे मेटा फिल्टर है ना, मेटा है, प्लेट है, और साथ ही साथ अगर हमारे पास फ्रेम है तो ये कैसे फिल्टर हैं बच्चों, हमारे प्रेशर फिल्टर हैं। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल में तो सेंट्रीफ्यूगल दिया होगा, है ना, तो ये हमारे क्या हैं, फिल्टर के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सील और पैकिंग की। सील और पैकिंग होता क्या है, जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम वायु या द्रव्य को बाहर जाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसे हमें जैसे फॉर एग्जांपल
कि हमारे पास दो शाफ्ट है, क्या है, दो शाफ्ट है जिनके ऊपर हमें कपलिंग बनानी है। अब कपलिंग बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होंगे बच्चों, हमने अभी आपको बताया था हमारे पास एक मोटर होगी, इम्पेलर होगा, है ना, तो ये सब चीज़ें होंगी, और साथ ही साथ पाइप्स वगैरह का उपयोग करते हैं। इन पाइपों में छेद होने के कारण क्या हो सकता है बच्चों, हमारा फ्लूड बाहर आ सकता है, जिससे हमारे जो कपलिंग की इफ़िशेंसी क्या हो सकती है बच्चों, कम हो सकती है। इसको कम करने के लिए इन पाइपों को सील किया जाता है, ठीक है, इन पाइपों को क्या करते हैं बच्चों, सील करते हैं, जिससे हमारा क्या हो बच्चों, फ्लूड पावर जो है मैकेनिकल पावर में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें सील करना पड़ता है। सील में हम ये करते हैं कि उस फ्लूड को क्या करते हैं, हम किसी भी तरह से वातावरण में आने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो है हमने आपको बताया कि क्या होते हैं हमारे हाइड्रोलिक कंपोनेंट, और हाइड्रोलिक कंपोनेंट में हमारे जो है क्या क्या चीज़ें उपयोग की जाती हैं, एयर फिल्टर वगैरह का क्या है। आप जो हमारे द्वारा PDF दिया गया है इसको आप प्रॉपर पढ़िए, और इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी एक एक करके 1 जुलाई से शुरू करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू, कल आपसे मुलाकात होगी हमारे नए चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 में, और चैप्टर नंबर 9 का हम आपको कल बताएंगे। तो अभी आज तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।